पीएससी में पढ़ते थे कि जहाँ पर शिप बनता है वहाँ पर पहुँच के कैसे लग रहा है, समुद्र या फिर पानी के बाहरी छोर क्यों टकराता है। जिस गवर्नमेंट शिप की मैं बात कर रहा था वो यही है जो मेरे सामने है। तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में पहुँच जाएंगे तो खूबसूरत सा ये व्यू यूजुअली दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं। पापा जो चीज पीएससी में पढ़ते थे कि जहाँ पर शिप बनता है वहाँ पर पहुँच के कैसे लग रहा है, अनुभव तो क्या है, पहले अपन पुस्तक में पढ़ा करते थे, पीएससी क्वेश्चन भी होता था कि पानी का जहाज कहाँ बनता है, तो विशाखापट्टनम में, तो जहाँ बनता है उस जगह पे खड़ा हूँ, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। इस एरिया को बोलते हैं फिशिंग हार्बर और ये पूरी तरीके से एक्सपांड है। इसमें से जितने भी आप छोटे से लेकर बड़े अभी तक देख रहे होंगे शिप्स, छोटे मोटे जितने भी नाव है नाव का, वो सब आपको प्राइवेट ही मिलते हैं। पर वो जो आप थोड़ा क्लोज बाय मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की नेवी, जो स्पेशली जितने भी वेदर फोरकास्ट कंडीशन होते हैं जो समुद्र के बीच में एक रडार कैच करने के लिए रखा जाता है, वो वाला एक है और ये वाला जो मैं व्हाइट वाला बात कर रहा था, और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो प्राइवेट है। मोस्टली ये जो छोटे वाले हैं जो ये आप देख रहे हैं ये उतना ज़्यादा निकलता नहीं है, क्लोज बाय जाता है, पर ये जो बड़े जो येल्लो वाले आप दिख रहे हैं इसमें प्रॉपर उनका नंबर है जो कि वेरीफाइड है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये काफ़ी हद तक क्रॉसिंग टू स्टेट बॉर्डर्स अंदर जाके मछलियाँ निकालते हैं। जिसमें अभी दूर से मैं दिखा रहा था वो सब यही व्हीकल है, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पर INDAP लेफ्ट साइड में V1MM1374 नाम से इसे अलॉट किया गया है, और एज इट इज ये सभी आप फिशिंग बोट में देखेंगे सब में यही मिलता है। प्राइवेट जहाजों में ही एक जहाज ऐसा भी है जो पूरी तरीके से रस्ट हो जाता है और उसको डिमोलिश करके नए वुडन और उसके अच्छा स्क्रू सॉकेट के साथ मजबूती से बनाते हैं, और वही चीज़ जैसे इस वाले पोर्शन में देखोगे तो पूरी तरीके से अभी खाली है और ये वाला भी बन के रेडी हो गया है, जिसमें ये नट्स पॉइंटिंग मजबूती के लिए और लकड़ी अच्छे स्टेबल क्वालिटी के लिए यूज़ करके अभी बना रहे हैं। ये जो बन रहा है ये आउटर लेयर अभी बन रहा है, इसके बाद अभी अंदर से भी इसे सपोर्ट करके डाला जाएगा। जैसे वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लकड़ियाँ बीच बीच में है, उसके बाद सपोर्ट के लिए जो पतले पट्टे रहते हैं वो भी इसमें बिछाए गए हैं, एज इट इज सेम आपको इसमें भी मिलेगा। अभी मोटे लकड़ी बेस के लिए इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद ऊपर पट्टी बिछाएंगे जो कि समुद्र या फिर पानी के बाहरी छोर को टकराता है। जिस गवर्नमेंट शिप की मैं बात कर रहा था वो यही है जो मेरे सामने है, जो कि मत्स्य शिकारी के नाम से है, और जैसे आप बीच को वाइट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी कलेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंटल डेटा में अलॉट होते हैं, और इस प्रकार से आप इस दो कलर के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। बहुत सारे ऊपर रिडार कैचिंग और नेटवर्क के लिए भी एरिया ऊपर ऊपर दिए गए हैं जो कि हर कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ के लिए यूज़फुल होता है। चर्च के सबसे हिल पॉइंट पे जैसे ही आप आते हैं तो ये खूबसूरत सा दर्शन आपको हो जाएगा, जिसमें जिगांटिक शिप भी हैं और जितने भी लोड डिलीवरी वाले जितने भी कार्गो शिप्स होते हैं वो जैसे अभी स्ट्रेट आप देख रहे होंगे तो उसके पिकअप पॉइंट वहाँ पर है, और यहाँ पर जितने भी शिप्स आते हैं जो कि यूजुअली दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं, और खूबसूरत सा जो पहाड़ से नज़ारा दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा विंड नॉइस आ रहा होगा तो स्पेयर मी फॉर दैट। तो जैसे आप यहाँ ऊपर टॉप पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर खूबसूरत सा व्यूज़ दिखेगा, जैसे मैं अभी आपको जस्ट दिखाया कि एक सिंपल कार्गो शिप है और नॉर्मल जो दूसरा वाला जिसमें दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, और पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार से है जो चर्च का पोर्शन है, और ये मोस्टली वाइट एंड ये ब्लू कलर को प्रेफरेंस देके बनाया गया है, और इस हिल पॉइंट पे जो हल्का सा पानी और बादल का जो हल्का सा टचअप आता है उसमें ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये रहा सीढ़ी का रास्ता और ये टॉप होते हुए वो ऊपर मेन चर्च तक जाता है, और नीचे जैसे आप व्यू को देखेंगे तो नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार से है, और ये रहा पहाड़ का पोर्शन एंड इट्स एब्सोल्युटली मेजमराइजिंग। एंड में ये रहा चर्च का व्यू जिसकी निर्माण हुआ था 1904 में और वो अभी तक मेंटेन इस हिल टॉप पर
काफ़ी वेल कलर और मेंटेनेंस के द्वारा इसे मेंटेन किया गया है। और ये रहा एंट्री पॉइंट। कुछ शिप्स जो हैं जो अच्छे से अंदर जो पैसेज दिया हुआ है उसमें से क्रॉस बाय हो पाते हैं, जिसका डेप्थ ज़्यादा नहीं रहता है, वो अंदर तक जाके वहाँ भी यार्ड में रुकते हैं और वहाँ जितने भी कंटेनर्स हैं वहाँ को भी लोडिंग से हटाकर उन्हें डीलोडिंग किया जाता है। जो पॉइंट है वो INS और सामने के जो एयरक्राफ्ट के पूरे म्यूजियम है उस पर जाने का है। और थोड़ा उसके बाद का हल्का सा प्लान शिफ्ट होगा और थोड़ा सा उसमें सामने के जो एक पुराने शिप पोर्शन है उसको एक बार टैली करने की मैं कोशिश करूँगा। सो फिलहाल अभी उसी की तरफ जा रहे हैं हम। पापा के साथ पहुँच गए हैं और ये रहा INS कुरसुरा। पनडुब्बी नीचे डूबती है तो सबसे पहला छोर जिसे निकालते हैं कंफर्मेशन के लिए वो वाला पोर्शन है। ये सिंपल पापा का हाइट है और ये रहा सबमरीन। किचन इंजन NK-12MP के नाम से है। मशीनरी चीज आपको देखेंगे जिसमें पापा भी जा रहे हैं तो वो एंट्री पॉइंट है। एयरक्राफ्ट का बाहरी लुक जिसके टरबाइन के बारे में जैसे मैं बता रहा था।